हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे 41 नंबर से लेकर के जो है प्रश्नों का जो है कि हम सलूशन कराएंगे इस वीडियो में। और अभी तक पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है डेट वाइज वीडियो आपका करके सेव किया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका सही वीडियो सेव किया गया है। तो चलिए बात करते हैं 41 नंबर के प्रश्नों का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 1-2 से होकर जाने वाली, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, करीब 1-2 से होकर जाने वाली तथा कर्णी में 3x + y = 1, ठीक है, के साथ 60 डिग्री का, यानी कि थीटा बराबर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखाओं के समीकरण, इसका मतलब कि दो समीकरण है, एक ही समीकरण नहीं फाइंड होगा आपका, कितना समीकरण फाइंड होगा, दो समीकरण। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग याद रखिएगा कि समीकरण निकालने के लिए आपका फार्मूला होगा y - y1 = m, कोष्टक में होता है x - x1। यदि आपके बिंदु दो बिंदु एक बिंदु दिया गया है, यानी x1 y1 का एक बिंदु तो आपका दे दिया गया है और थीटा कोण भी दिया है, ठीक है, तो थीटा कोण दिया है, ठीक है, लेकिन एक बिंदु और थीटा कोण से हम लोग तो मान निकाल लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपके दो दो समीकरण दिए गए हैं। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में दो दो समीकरण दिया गया है। तो अब एक बात याद रखिएगा, यदि आपका m का मान 60 डिग्री आप रखेगा, tan थीटा बराबर आपका m के होता है ना, तो m बराबर tan थीटा के हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का मान रख करके इसमें हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शनों में पहला जो समीकरण है, देखिए ध्यान से देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है, पहले समीकरण में सभी का x विलुप्त है। ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन से जो है कि आपका सोल्यूशन करा रहे हैं, आपका जो है कि जो सवाल दे रखा है इससे हम सोल्यूशन नहीं कर, ऑप्शन से आपको जो चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो आपका ऑप्शन में पहला समीकरण दिया है सभी में, उसमें x विलुप्त है, उसमें से x क्या है, विलुप्त है। इसका मतलब कि यम का मान हम लोग यहाँ पर थीटा बराबर जीरो रखें, इसका मतलब कि यम का मान, थीटा का मान कितना रखा होगा, जीरो यदि रखा होगा तब आपका, यानी कि यम बराबर जीरो डिग्री रखा होगा तब आपका यक्स विलुप्त होगा, ठीक है। तो यक्स जब उसमें से नहीं है, यानी कि उस समीकरण में यक्स आपका नहीं है, इसका मतलब कि जो इस समीकरण, इस फार्मूले पर जो आप समीकरण निकालेंगे, इसका मतलब यम का मान कितना रखा गया होगा, जीरो रखा गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से जांच करें तो यम बराबर कितना रखा होगा आपका, जीरो, यम बराबर कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा, तभी तो आपका एक्स, यानी कि यम का मान रखें तो ये एक्स दोनों विलुप्त हो जाएंगे, और एक्स वन की बात करें तो यह आपका एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन। तो ऑप्शन से हम लोग निकालना है, ठीक है, एक्स विलुप्त करना है ना, तो एक्स विलुप्त करने के लिए यम की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, जीरो, ताकि आसानी से एक्स क्या हुआ हो आपका हट जाए, ठीक है। अब देखिए तो y - y1 की जगह पर 2 हो जाएगा बराबर m की जगह पर 0, और x - x1 की जगह पर कितना, 1। तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, यानी कि y - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए सभी ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो है x विलुप्त है ना, तो यानी कि y - 2 आपका किस में है, y - 2 आपका किस में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी में जो है कि y - 2 है, और ए और डी आपका कट गया, ए और डी कट गया, क्योंकि ए और डी में आपका y + 2 है, तो y + 2 आ रहा है आप लोगों का नहीं, तो यानी कि एक आपका समीकरण मिला y - 2 बराबर कितना, 0। लेकिन अभी हम लोग कन्फ्यूजन है, क्योंकि दो समीकरण में, यानी कि दो ऑप्शन में दिया है y - 2 y - 2, बी और सी दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक तो मिल गया समीकरण नंबर एक, मान लीजिए एक मिल गया, दूसरे के लिए क्या करेंगे कि अब थीटा की जगह पर 60 डिग्री, थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये ठीक है। और जब थीटा की जगह पर आप लोग 60 डिग्री रखेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यम के होता है कि नहीं होता है, और tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान कर्ण में कितना, 3, बराबर किसके हो जाएगा, m के, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब फिर इसमें आइए, फिर y - y1 की जगह पर कितना, 2 = m की जगह पर कितना, कर्णी में 3, और x - x1 की जगह पर कितना आपका, 1। हाँ ध्यान दीजिए, जो दूसरा समीकरण ऑप्शन में दिया गया है ना, सभी में x मौजूद है, x सभी में क्या है, मौजूद है, इसलिए जो है थीटा की जगह 60, यानी कि tan 60 डिग्री पर हम लोग निकाल करके m का मान फाइंड कर लिए, ठीक है।
और हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्यों आप m को जीरो लिए हैं, इसलिए जीरो लिया गया है मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि किसी भी समीकरण में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो जो पहला समीकरण आपका दिया गया है, किसी भी समीकरण में x नहीं है, तो इसका मतलब कि जो x जब नहीं है तो m का मान कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, दो समीकरण निकालने के लिए दो आपका m पूर्णता चाहिए, कितना पूर्णता चाहिए, दो, तो एक पूर्णता मान लें m बराबर जीरो। ऑप्शन से मैं जांच कर रहा हूँ, क्योंकि यदि बेसिक चीज बेसिक से बताऊंगा तो वो बहुत आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको समझने में भी कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए मैं इसे ऑप्शन से ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस टू बराबर हो जाएगा करने में 3x और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 3, कन्फर्म है। अब इसको इधर ला दीजिए, तो यह हो जाएगा, चाहे इसको इधर ले चलिए करने में 3x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई और माइनस टू और ये आपका हो जाएगा माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस टू और माइनस करने में 3 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये आपका आंसर, यानी कि जो आपका मिलेगा ना, एक तो y माइनस टू, तो y माइनस टू किस में, किस में, b और c में, लेकिन ये दूसरा का जो हाई वाला माना हुआ है ये समीकरण में देखिए किस में मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आपका करने में 3x माइनस वाई प्लस टू, ठीक है, इतना तो आपका b और c दोनों में है, इसके बाद माइनस करने में 3 आपका c में है, माइनस करने में 3 किस में है, c में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, c आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, ये ऑप्शन से हम लोग चेक कर लिए कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा, वास्तव में समझ में आ गया तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में अच्छी तरह से आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद 41 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, सॉरी 41 नंबर नहीं 42 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए चलते हैं हम 42 नंबर पे चलते हैं, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन से मैं ले लिया हूँ, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत ऐसे ही कीजिएगा, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तुरंत ऐसे ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे प्रिय छात्रों, तो 42 नंबर में आपका कह क्या रहा है, देखिए करे की रेखाओं 4x प्लस 3y प्लस 18, यानी क्या दिया है 4x धन 3y और माइनस दिया है 18, ठीक है, माइनस कितना दिया है 18, यही सही कर ले, ठीक है, माइनस 18 बराबर कितना है, जीरो, ये ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है 5x दिया है, इसके बाद प्लस 4y और इसके बाद दे रखा है माइनस 23 बराबर कितना, जीरो। अब इन ये समीकरण नंबर एक हुआ, ये समीकरण नंबर कितना हुआ, दो, और दोनों समीकरण को जब हल करेंगे ना, जब इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा तो कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका पता है ना, इन दोनों समीकरण को उधर, यानी कि इन दोनों मानों को इधर कर देंगे, और हाँ ट्रिक द्वारा भी मैं बताया हूँ, जब गुणखंड आपका चला था तो वहाँ पर ट्रिक द्वारा भी एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम बताए थे कि कैसे आप निकालेंगे, आप यदि पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से आता भी होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो एक्स का मान निकालेंगे, तो आप जो है कि एक्स का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स का मान 3 आएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान कितना आएगा, 2। इसको हल करने के बाद, ठीक है, नहीं तो हल करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो चलिए मैं हल करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप सोल्यूशन किए, नहीं तो कहेंगे सर देख करके हल कर दे, ठीक है, चलिए मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो अब मैं इसको पछांदर कर लेता हूँ, ऐसा तो हम ही करते हैं, पछांदर कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर कितना, 23। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर देख कर खाली छाप देते हैं, ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब गुणांकों का बराबर, ट्रिक द्वारा मैं नहीं हल कर रहा हूँ, बेसिक से मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक आप लोग देख लेंगे, मैं वीडियो बनाकर जो है अपलोड भी किया हूँ पहले का। तो यहाँ पर जो जब सोल्यूशन करेंगे तो गुणांकों का, एक्स से गुणांकों का आपस में गुणा, तो 4, 5 से इन सभी में गुणा और 4 से इसमें गुणा, तो 5 को 20x प्लस 5 15y बराबर और 18 5 90, यानी कि 5 4 8 40 को 0 हासिल 4, 5 5 4 9, अब ये हो जाएगा 4 5 20x और ये हो जाएगा 4 4 को 16 16y और बराबर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 2 8 9। देखिए मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बच्चों को हो सकता है समझ में भी ना आ रहा हो, ठीक ना, तो ये आपको कन्फर्म हुआ। इसके बाद और हाँ,
मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ट्रिक का, यानी कि एक्स वाई का मान कैसे निकाले ट्रिक द्वारा, उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जो है कि लिंक आपका दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, आप गुणा भाग देखते रहेंगे। ये आपका घट गया तो कट गया, और ये 16 में से 15 घटेगा तो माइनस एक हो जाएगा, वाई बराबर आपका हो जाएगा। अब ये घटेगा 90 में से आपका 92 में से 90 घटेगा तो अब कितना हो जाएगा, 2, ये कट गया, वाई बराबर कितना मिल गया, 2, वाई बराबर 2, आपका ये लिखे थे ना हम यहाँ पे वाई बराबर 2, अब यही वाई का मान इसमें रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 4x प्लस, एक बार नहीं है तो लेते जाइए, इधर 18 है ना, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई का मान रख दीजिए तो 3 × 6, ये 4x बराबर हो जाएगा, 18 में से 6 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12, तो 4 × 3 = 12, एक्स बराबर कितना हो गया, 3, यानी कि मेरे प्रिय छात्रों बिंदु आपका क्या मिल गया, बिंदु आपका मिल गया 3 × 2, ये आपका बिंदु मिल गया ना, 3 × 2, 3 × 2 एगो तो बिंदु हो गया, ठीक है, तो बिंदु मिल गया 3, 2, लेकिन एक बिंदु जो दोनों रेखाएं हैं या किस बिंदु से गुजर रही हैं, गुजर रही है 4, कितने से, -3 से, दो बिंदु मालूम हो गए ना, तो यह 3, 2, दो बिंदु जब मालूम हो गया, दोनों बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या y2, दो बिंदु के लिए समीकरण क्या होता है, मैं इसको हटा देता हूँ, होता है y − y1 = y2 − y1 बटा में x2 − x1, कोष्टक में x माइनस कितना होता है, x1, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं फटाफट, y माइनस हो जाएगा, y1 का वैल्यू देखिए 2 है बराबर, y2 का वैल्यू कितना है, -3 है, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 2 बटा में x2 का मान कितना है, 4 है, इसके बाद माइनस x1 का मान कितना है, 3, कोष्टक में x − x1 का मान कितना है, 3, अब ये हो जाएगा y − 2 = 3×5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा घटेगा तो 1 हो जाएगा, कोष्टक में x − 3, मल्टीप्लाई 1 से भाग देंगे तो बस उतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा y − 2 = 5 से x में −5x हो जाएगा, −−+ हो जाएगा, 5 × 3 = 15, सभी को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, और ये y + y हो जाएगा, और ये −2 हो जाएगा, ये हो जाएगा −15 = 0, ठीक है, ये हो जाएगा 5x − y − 17 = कितना हो जाएगा, ये आपका क्या रहा मेरे प्रिय छात्रों, आपका समीकरण फाइंड हुआ, यानी कि आपका हुआ 5x + y − 17 = 0, इतना कन्फर्म हुआ, ये प्लस है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन जो है कि सी करेक्ट है, 5x + y − 17 = 0, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और हाँ, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और ये आप प्रोसेस इतना नहीं करना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा तुरंत जो है एक्स वाई का मान फाइंड कर लीजिए, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले अगले जो है कि प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 43 का सोल्यूशन देखिए। तो चलिए बात करते हैं 43 नंबर में, कह रहा है कि 4x + 2y = 25 एक रेखा है और एक अन्य रेखा जो इसके समांतर है, इस प्रकार है कि यह रेखा तथा मूल बिंदु दी हुई रेखा के एक ही ओर है, इन रेखा यदि इन रेखाओं के बीच की दूरी 2 × 5, 2 × में कितना है दी, बीच की दूरी कितना दिया है 2 × 5 दिया है, और ये कह रहा है कि 2 × 5 और रेखा दिया है आपका 4x + 2y = दिया है 25, तो कह रहा है कि दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिए मैं ट्रिक बनाया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं ट्रिक बना दिया हूँ, यानी कि आपका ट्रिक होता है क्या, ax + by = c − d, कोष्ठकारणी में a² + b², यानी कि एक समीकरण दिया हो और दूरी उनके बीच की दी है, दूसरी रेखा आपको फाइंड करना हो तो ये आप ट्रिक तुरंत लगाएंगे, मूल बिंदु से जाएगी तो, ठीक है, मूल बिंदु दे रखा है ना, तो क्वेश्चन में आपका सब कुछ दिया है, ये समीकरण दे दिया, डी का मान दे दिया, ए और बी का मान हम लोग इस समीकरण से निकाल लेंगे, इस समीकरण से देखिए अब रखेंगे तो 4x + 2y = कितना है 25, माइनस डी का मान कितना है 2 × 5 करणी में, ठीक है, गुणे हैं यहाँ पे, ए का स्क्वायर यानी कि ए का जो वैल्यू पहला एक्स का गुणांक, ए का वैल्यू है 4 × 16 हो जाएगा, आप प्लस बी का वैल्यू 2 × 4,
ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 4x प्लस 2 वाई बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2 कर्णी में 5 गुणे 16 चार 20 आप 20 का वर्गमूल निकालेंगे 2 कर्णी में 5 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 25 माइनस इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दुनी के 4 और 4 पचे 20 तो यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 4x प्लस 2y बराबर हो जाए कितना 5 ये आपका आंसर फाइनल ठीक है यानी कि आपका हुआ 4x प्लस 2y इक्वल टू 5 तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ठीक है ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 44 नंबर पे हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तुरंत ऐसे ही लगाएंगे आप लोग चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चलिए इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है चौवालीस नंबर है क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस वाई माइनस टू इजकल टू जीरो 3x प्लस वाई माइनस टू इजकल टू जीरो दूसरा है ax प्लस टू वाई माइनस थ्री इजकल टू जीरो तीसरा है 3x माइनस टू वाई 3x माइनस टू वाई माइनस थ्री इजकल टू जीरो अब ये कह रहा है कि संगामी होंगी यदि a बराबर आपका ऑप्शन भी चार आपका दिख रहा है ना तो संगामी के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है संगामी के लिए कंडीशन होता है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और आपका ए थ्री बी थ्री और क्या सी थ्री आप लोग जो है कि या ट्वेल्थ में पढ़े होंगे जो है कि आबी सारणी आप पढ़े वो सारणी का ही सवाल है सारणी की जैसा ही इसमें सोल्यूशन ये कराया जाएगा तो ये पहला ए वन हो गया ये आपका बी वन हो गया ये आपका सी वन ए वन बी वन सी वन या ए टू हो गया यह आपका बी टू हो गया और ये क्या हो जाएगा सी टू और ये आपका ए थ्री हो जाएगा ये आपका बी थ्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी थ्री ठीक है ना चलिए रखेंगे इसमें मान इसका मतलब बराबर जीरो के रहा होगा तभी ये संगामी होगा अब हम लोग हर हाल में ए का मान निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें ए है नहीं तो ए वन की जगह पर यह हो जाएगा तीन इसका गुणांक कितना है एक इसके बाद इसका माइनस टू ऐसे रख सकते हैं ना इसके बाद ए टू का ए है इसके बाद इसका है क्या दो है इसके बाद माइनस तीन इसके बाद उसका है तीन माइनस दो और माइनस तीन बराबर कितना जीरो विस्तार कर दिए तो इनसे विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा इनका मल्टीप्लाई यानी कि तीन दुनी के छः माइनस छः बीच में माइनस आता है तीन दुनी के छः यानी कि तीन दुनी के छः और माइनस माइनस प्लस अब फार्मूले माइनस होता है तो यह हो जाएगा छः तो सूत्र चलता है प्लस माइनस प्लस की तरफ तो ये आपका हो जाएगा माइनस अब ये छूट जाएगा तीन से ए में आपका माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस अब तीन से इसमें होगा तीन दिल्ली के नौ माइनस नौ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस नौ इसके बाद प्लस टू लेकिन माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे आप माइनस टू ये छूट जाएगा तो ए से माइनस टू में माइनस टू ए हो जाएगा इसके बाद माइनस तीन दूनी के छः बराबर कितना हो जाएगा जी कन्फर्म है ये इसके बाद हल कर दीजिए इसको यह हो जाएगा छः छः बारह बारह तेई छत्तीस अब माइनस छत्तीस हो जाएगा और माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री ए और ये हो जाएगा माइनस नौ फिर माइनस इसमें आ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो दूनी के चार ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दो छके बारह बराबर जीरो इसमें आ जाइए तीन ए चार ए चार तीन कितना हो जाएगा सात ए इसके बाद देखिए छत्तीस है और ये नौ है नौ और छ कितना हो जाएगा पंद्रह को पाँच छासी लेख तीन और एक चार पैंतालीस हुआ इसके बाद माइनस है क्योंकि दोनों माइनस माइनस लगेगा बारह क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो ये आपको हो जाएगा कितना तीन हो जाएगा और ये आपका तीन तैंतीस हो गया तो यानी कि ये हो जाएगा बारह जो है कि माइनस तैंतीस बराबर कितना जीरो तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों सात ए बराबर पछांदर कर दीजिए इसको तैंतीस हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा तैंतीस बटा में कितना यानी कि कितना रहा होगा ए बराबर आपका होगा तैंतीस बटा में सात जो है कि चौवालीस नंबर का ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है तैंतीस बटा में सात उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तैंतीस बटा में सात कन्फर्म है चलिए आगे बढ़ते हैं हम पैंतालीस नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पैंतालीस नंबर का सोल्यूशन जो है कैसे होगा देखते हैं पैंतालीस नंबर चलिए चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में ये जो समीकरण आपका दिख रहा है
समीकरण में क्या चेंजिंग है क्वेश्चन में आपका दे रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन में आपका जो है कि दे रखा है लंब रेखा का समीकरण आपके जैसा है, लंब रेखा के समीकरण जैसा है। ध्यान दीजिएगा, 4x है, 7y है, 7x है, 4y है। देखिएगा आपस में चेंजिंग हो गया है, यानी कि एक दूसरे पे ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे पे क्या है, लंब है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या है, लंब है। क्योंकि आप लोग समीकरण पढ़ाए हैं हम कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो लंब के लिए होता है सिर्फ क्या मेरे प्रिय छात्रों, आपको याद होगा ay इक्वल टू क्या, लेमडा। ये लंब के लिए है, आप लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। लंब रेखा का समीकरण यानी कि इस रेखा के जो है कि लंब रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा बी एक्स, यानी कि आपस में एक्स गुणांक चेंजिंग कर दिया जाता है और जो वाई के साथ होगा उसका चिन्ह सिर्फ माइनस लगा दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ठीक है, चेंजिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, चेंजिंग हुआ है ना चिन्ह, तो उसी टाइप का है। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप जो है कि नोट भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए तीसरी, नहीं लिखिए फिर से, त्रिभुज की पहली और तीसरी भुजाओं के, त्रिभुज की पहली और तीसरी भुजाओं के समीकरणों से स्पष्ट है कि, ठीक है, आपके बुक में दिया है कि ये दोनों भुजाएं परस्पर लंब हैं। क्योंकि ये लंब रूप के जैसा है, इस समीकरण, ये जो समीकरण है यानी इस पे ये जो समीकरण है इसके रूप का लंब है, ठीक ना। तो लंब रूप समीकरण आपका है, दोनों भुजाएं परस्पर लंब हैं, अतः इनका प्रतिच्छेद बिंदु ही लंब केंद्र होगा, ठीक है, अतः इनका प्रतिच्छेद बिंदु ही लंब केंद्र होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी कि ये जो आपका होगा ऐसे होगा, प्रतिच्छेद, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्योंकि लंब रूप है। तो ये कंडीशन आपकी बन गई ना, तो आप कंडीशन फार्मूला याद रहेगा तो कंडीशन खुद पकड़ में आ जाएगी। तो ये जो आपका फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो ये समझ में आया, तो फर्स्ट और ये थर्ड को, ये आपका सेकंड है, तो सेकंड को क्यों नहीं लिया जा रहा है, आप समझ गए होंगे ना, क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस रेखा का ये लंब रूप क्या है, समीकरण है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है। यदि ये भी इस टाइप का होता तो इसको और इसको एक साथ ले जाए, ये नहीं समझेगा कि दोनों हो जाएगा, दोनों नहीं, कोई आपकी दो ही रेखा होगी। तो इसके बाद इसका समीकरण जब इन दोनों को हल करेंगे तो हल करने का तरीका हो जाएगा 4x माइनस 7y बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 10, ठीक है, इतना। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब ये आपका समीकरण नंबर एक हुआ और ये समीकरण नंबर दो मान सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक नहीं, तो वो तीन था ना। अब देखिए जिस तरह से मैं 42 नंबर लगाया हूँ, आप लोग हल कर लेंगे, जिस तरह से मैं 42 का सोल्यूशन कराया हूँ, या ट्रिक जो है कि आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ट्रिक का, एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, जो एक्स वाई का मान फाइंड होगा वही आपका जो है कि इनका क्या पूछ रहा था, लंबिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स का मान और वाई का मान आपका कितना कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि आपका आएगा 1 और 2, यानी कि एक्स बराबर आपका 1 आएगा और वाई बराबर कितना आएगा, 2। और जो ऑप्शन की बात हम लोग कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन मैं करा दूंगा, ठीक ना, सोल्यूशन हम करा देते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन अभी मैं कराया हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ।